In this video, I am going to teach you how to draw shape composition like this with different geometrical shapes. Like first is quadrilateral shape, circle, triangle, square, rectangle shape. So let's get start this video. I am going to draw first quadrilateral shape. Quadrilateral shape mein फोर साइड्स डिफरेंट होती है लाइक दिस 1, 2, 3, 4. तो फर्स्ट हमने ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल शेप लाइक दिस. देन आपको ड्रॉ करना है 1.5 circle फॉर द फेस. अब हम नेक ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम 2 standing line ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. देन हमें अब ड्रॉ करना है ट्राइंगल. For the hand drawing, make triangle. Another hand भी हम triangle shape draw करेंगे. Another hand के लिए भी like this. एक big हमें big size में triangle draw करना है. अब अटैच होता हुआ लाइक दिस. क्या बोल रहा हूँ, हम बात कर लो फोन पे. अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं सन ड्राइंग के लिए. देन आपको 2 standing parallel line ड्रॉ करनी है फॉर दी ट्री. ट्री भी हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प से बनाएंगे. स्टैंडिंग लाइन ये स्टेम्प है और अब हम बनाएंगे लीव्स. तो लीव्स के लिए हम ओनली सर्कल बनाएंगे. ये देखिए, अब हम ड्रॉ करेंगे प्लांट्स. फर्स्ट आपको ट्री ड्रॉ करना है लाइक दिस. देन आपको ड्रॉ करना है प्लांट्स. प्लांट्स भी हम सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स से ही ड्रॉ करेंगे. ये देखिए 2 standing line. देन आपको एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है. फ्री हैंड भी कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं. फर्स्ट आपको सर्कल ड्रॉ करना है सेकेंड प्लांट के लिए. देन स्टैंडिंग लाइन. देन क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है और स्टैंडिंग लाइन अटैच करना है लाइक दिस. अब हमने ये लेडी को वाटरिंग करते हुए दिखाना है प्लांट्स को. तो हमने ड्रॉ करना है यहाँ पर मग. इसके लिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे. देन यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे. अनादर ट्राइंगल अपर साइड लाइक दिस. ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, इसको ओवरलैप करेंगे. ये हमारा बन गया है मग लाइक दिस. तो इस टाइप से आप कंपोजिशन ड्रॉ करेंगे. सन के लिए हम रेज दिखाएंगे. ये देखिए, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है कंपोजिशन. अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे. स्केच कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रियॉन्स भी कर सकते हैं आप. फर्स्ट कलर हम सन में करेंगे येलो. कलर करने से पहले आउटलाइन करेंगे, जो कि हम भूल चुके हैं अभी. अभी हम आउटलाइन करेंगे फर्स्ट ब्लैक पेन से. सो यस, आपको इस टाइप से ब्लैक आउटलाइन कंप्लीट करना है ड्राइंग में. देन हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हमने येलो किया है सन ड्राइंग में. अनादर कलर हम यहाँ पर हेड में येलो कलर ही यूज़ करेंगे. जहाँ हमें येलो करना है जिस एरिया में, वो हम कलर जल्दी से फिल कर लेंगे.
तो यस, येलो कलर का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कलर फिल करेंगे। नेक्स्ट कलर हम फिल करेंगे रेड कलर नेक एरिया में एंड हैंड्स एरिया में ओनली। अब हमें यूज़ करना है पर्पल कलर। फुट में भी हम पर्पल करेंगे। सो यस, पर्पल कलर का भी वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है ओनली। अपर साइड यहाँ यहाँ लाइट पर्पल कलर फिल करेंगे। दिस साइड हम लाइट पर्पल कलर फिल करेंगे। और आउटर सर्कल में हम फिल करेंगे लाइट ऑरेंज कलर। ये देखिए, अब हमें यूज़ करना है पिंक कलर। ड्रेस में हम पिंक कलर फिल करेंगे। फेस में भी हम पिंक कलर फिल करेंगे। ओके, तो अब हमें फिल करना है लाइट ब्लू कलर इन दिस सर्कल ड्राइंग। अनदर साइड हमें ड्रेस में अपर साइड एंड स्लीव्स में ब्लू यूज करना है, डार्क ब्लू कलर। और लेग्स में भी हमें ब्लू कलर फिल करना है। दिस साइड हैंड में भी हमने ब्लू कलर फिल करना है। ओके, सो ब्लू कलर का भी वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कलर फिल करेंगे। अब हम प्लांट के अंदर यहाँ पर हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। अनदर साइड हम दिस साइड प्लांट में भी ग्रीन कलर फिल करेंगे। यहाँ हम लाइट पर्पल कलर यूज करेंगे। ओके, तो स्टैंडिंग लाइन में प्लांट के यहाँ पर हम ब्राउन कलर यूज करेंगे। दिस साइड भी हम ब्राउन कलर यूज करेंगे। सो यस क्लास, ये आपकी शेप कॉम्पोजिशन रेडी हो चुकी है। आपको भी ऐसे ट्राई करना है और नीट एंड क्लीन वर्क अपने कॉपी में करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।